गुरु शम दाता है नहीं। मंदिरा बजाओ। सब जग मांगन हारा राजा पर जाबाद सा सब मिल मनोरथ
घट भयाऊ जियारी वचन मनोरथ गुरु मिले। हाँ घट भयाऊ जियारी सतगुरु पार उतारसी सब संत पुकारी गुरु शमदाता ये साहिब घट घट बोले गुरु शमदाता ये नहीं। बोली राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की बड़ी ये सुंदर वाणी की। गुरु समदाता कोई नहीं, सब जग मांगण हारा, राजा प्रजा बाद सार सब मिलाद पसारा। जगत में गुरुदेव रे समान और कोई दातार नहीं है सब। बाकी आप में धन दे सके, पद दे सके और कोई व्यवस्था कर सके, पर सजनों और कोई विद्या सिखा सके, पर जन्म मरण से मुक्त वेउनी विद्या तो केवल गुरु महाराज ही बताया करे। जीव रो उद्धार कैसे वे, जीव रो कल्याण कैसे वे, जीव सद मार्ग माते कैसे चले, ये तो गुरु महाराज ही बतावे। सदगुरु बिना नहीं पावे ये भक्ति मुक्ति बंदा। गुरु महाराज बिन ये चीज नहीं मिले सजनों। तो लिखे के तीन लोक रे ऊपरे सत शब्द उचारा और सत दीप नौ खंड में जारा सकल पसारा। महात्मा लिखे के सब जगह पसारो राम जी रुई है। तो कर्तव्य बने सजनों के जीवन की कुछ समय निकाल आपा भगवान रो भजन करा। दरियाव जी महाराज साफ शब्दा में लिखियो आज काम मुख राम है और हृदय सांची प्रीत। दरिया ग्रस्ती साध की आई है उत्तम रीत। हाथों तो काम करे और मुख सु भगवान रो भजन करे और हृदय में सच्ची प्रीति रखे तो भी ग्रस्ती रख कल्याण में कोई संदेह नहीं है सजनों। दंदो करे ईमानदारी मेहनत री कमाई करे राम जी रो नाम लेवे सच्ची प्रीति रखे हृदय में बाबा बिन प्रणाम है सजनों। वो तो घर बैठा ही सब तीर्थ ना लिया ये देख लो और बिन प्रणाम करियो सब। गुरु नानक जी भी पंजाब में तो गुरु नानक देव जी जद भारत विश्व ब्रह्मांड री यात्रा माते निकलिया तो सबसे पहला अहमदाबाद गया। अहमदाबाद नगरी में जब प्रवेश किया जब एक सुथार मिलियो बड़ाई। वो सुथार मिलियो बड़ाई लाला राम नाम मिलियो। वो प्रणाम करिया जब नानक जी क्यों भी मने अठे सत्संग करनी है, अठे धर्म रो प्रचार करनो है तो मैं सत्संग कठे करो। तो लाला राम बड़े बड़ो भावुक आदमी बो क्यों महाराज कठे नहीं जानो आप मारे घर पधारो और मारे घर सत्संग करो। मेरा अच्छा भाव संत स्नेही हो जिज्ञासु या दूसरो वे तो बताई दे दो भैया महाराज एक धर्मशाला है बुट कर लो एक और मंदिर है बुट तानो विचार वे देख लियो जागन सोगी वे। पर वो बोलियो ऐसो योग बोलियो जो तो मारे घर ही पधारवा। अब लाला राम बड़ाई तेरे घर गया नानक जी जब देखे पुरानो घर बनियोड़ो जिटे माटी लोग नीपता ना बेन को मकान बनियोड़ो
और मेरी वृद्ध माता पिता बूढ़ा मेरी वो सेवा करे, पूरे दिन कमाई करे, माई तारी आज्ञा रूप पालन करे। और नानक जी पधारिया जम तो हर्षित हो जी खुशी मान। नानक जी मेरे घरे कई दिन तक ठहरी सत्संग करी। जिन सजनों भी नगरी रही जो राजा है, बे राजा आपरा मेल में कोई भोजन रो आयोजन रखियो, समझे ना, भोजन रो आयोजन रखियो। और बोलिया के भाई जितना भी नगरी में पंडित है और नगरी में जो कोई भी साधु संत है ब्राह्मण है, मैंने सब ने निमंत्रण देवो और सब ने मेल में बुलाओ भोजन वास्ते। वहां मेरे सेवक किए जो पूरा जितना कितने ब्राह्मण साध पंडित पुरोहित साधु बुटे सब ने निमंत्रण दियो कि भाई कल राजा साहब रा मेल में भोजन है आनो। वाह, ऐसे करता करता बेन पता चलियो ले लाला राम बढ़ेरे घरे एक पंजाब रा संत आयोडा नानक जी। तो वो जाए नानक जी ने भी निमंत्रण दियो कि राजा रा मेल में कल भोजन है आपने आना है। नानक जी महाराज स्पष्ट मना कर दी कि मैं तो मेरे घर पानी भी नहीं पीऊं तो भोजन रोके। मैंने बा बात बड़ी अटपटी लागी, कह रहे सब तो अपना हमें आम भर ली और ओ साधु के वे एक राजा रे मेल रो पानी कण पीऊं मैं। हां पाछो दियो वो राजा साहब जो सब ने निमंत्रण दियो कि सब ने दे दियो, पण एक बात मने अटपटी लागी क्यों कहीं कि पंजाब रो साधु आयोडो वो क्यों मैं तो भी राजा रे घर पानी नहीं पी। राजा ने बा बात बड़ी खटकी, क्यों भी साधु ने मारा मेल में बुलाओ और नहीं आवे तो बांध लियो हाजिर कर। जन सजन राजा रा तो राज हाथ पे और महात्मा लिखियो नहीं राजा जोगी अग्नि जल यारी उल्टी रीत डरता रही जो परशुराम रे थोड़ी पाले। नानक जी रिकन जाइन के राजा साहब रो आदेश है मेल पधारो और नहीं पधारो तो मान माडा ले जाना पड़ेगा। नानक जी की भाई एड़ी बात को नहीं चालो। वाह, नानक जी मेल में गया। नानक जी ने राजा साहब पूछियो के थे ऐसे केन बोलिया साधु महाराज के मैं तो थारे मेल रो पानी नहीं पी। क्यों राजा थारे मेल रोज को भोजन है जी को अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे नहीं? मारे मेल में माँ की गंदे भी इतनी सुविधा है पर भी लाला राम रे घरे तो कोई पूरी जगह ही है पर कन्नु गंदा नाला निकला और रेडी जो बस्ती है बूटे तो मैं कभी पर जावा भी नहीं। माने बाप बड़ी गंदी जगह लगा अट देख कितना गार्डन है अच्छा और अट इतनी व्यवस्था बाबू कह जी मुंडो मुंडो बांधन निकला और अठे मारी इतनी व्यवस्था हमारे घर भोजन शुद्ध है। जब नानक जी ने पूछियो की बात को निर्णय करो नानक जी क्यों एक रोटी तो राजा थारे मेंद्री ला और एक रोटी ऐसी की लाला राम बढ़ाई रे घर ला। लाला राम बढ़ाई रे घर से एक रोटी लाया एक रोटी राजा रे मेल सुन लाया। नानक जी आत्मे बड़ा मान संत ऐसे रोटी ने करी तो जी की लाला राम बढ़ाई रे घर रोटी मेरी रोटी में तो दूध री धारा निकली और भी राजा री रोटी में खुंदरी धारा खुंदरा टोपा पड़ा। ये कैसे रियो? जद नानक जी बोले रे देख ले राजा थारे गर्रा भोजन में की गरीब रे गर्रा भोजन में फर्क इरी कमाई है जी की मेंत्री सहज मिले सो दूध बराबर मांग मिले सो पानी और कह कबीर वो रक्त बराबर जिन में खेंचा तानी जी को खेंचा तानी कमाई धन है वो केड़ो है बताओ वो खुंदरे बराबर घना मोटा बेच गण गेला जल में आदम हल मेरे पीछे ही का समझ गए ना और कहीं का आप देख लो चाहे ये बात तो निर्णय कर ले को कई तो प्रलाद भी वे सज अपना प्रलाद साथ लेना पर जिका उल्टा रिपिया खावे जनता रख
जनता ने लूटे, परमार्थ नहीं करे, सेवा नहीं करे, अन्याय करे, तो बेरे वो पीछे सब खत्म हो जाए। समझा? तो बोलिया और लाला राम ईमानदारी रोक कमावे, ईमानदारी रो खावे और मेरे साथ में सेवा करे, राम जी रो नाम लेवे और माता पिता री मन वच कर मेरो सेवा करे, तिर घर रो भोजन शुद्ध है। आ मेहनत तो करे किसान र लाटा धेन लाटो आ केन चल, ये लोगारा खून पसीना री कमाई, ऐसे थार घर रो भोजन अशुद्ध है, मैं थार घर भोजन नहीं करूं। राजा साहब तो बोले ही कौन फासा, क्यों फासो पंचायत तो जिगु रोटियां मुए गोंदरा टोपा पड़ गयो तो अपना की इलाज कर सके। चमत्कार बताओ जिको सब डरे, ठीक है ना भाई? कोई चमत्कार ने तो दुनिया का ही करे के चमत्कार ने नमस्कार इने छोड़ दो पाछो। मानक जी की मत भेरिया नहीं, तो मानक ही डर को ने बोले जेलम गल तो लाग जाए, पर मैं तो बात तो सच्ची कह। फिर नानक जी पधारिया लाला राम रे घर, कई दिन तक बूटे सत्संग करी, कई दिन तक पच वापिस आप आगे की तरफ रवाना भैया काबुल देश, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी, मुस्लिम देश में भी गुरु नानक जी भक्ति रो प्रचार करने निकले। जन लाला राम बड़े की मारे लाइक कोई आज्ञा वे तो बताओ, जद नानक जी कियो के ओ अहमदाबाद नो घर है जी वो छोड़ दे। सजनो क्यों जो आपकी आज्ञा, देखो बे कितना सेवक हार कितना जो गुरु में विश्वास करने कियो के घर छोड़ दो, लाला राम को छोड़ दे, अट नहीं रहनो अबे नानक जी की नगरी में नहीं रहे। तो शिष्य मर्दानो साथ में नानक जी रहे, वो क्यों महाराज इन घर छोड़ दो, क्यों को गरीब आदमी क्यों नहीं रहे? बाबरो आवेगो उत्पात मचावे, अटे बाबर आए पुर सासा और उत्पात मचाए, अटे खुंदरी नदियां बे, और मारो भगत है और मारो भाविक है और इन नगरी में मारा वचन मानना वाला ही से को, तो महाराज और लोगा ने कह दो, सूचना कर दो, हमचार कर दो कि और ने मैं को क्यों, क्योंकि और मारी मान नहीं को कह दे, मानना वाला ही है, बाकी तो मर जाए कि भले ही मरो मर गए कर लो। नानक जी की वचन माने सो वंश हमारा और नहीं तर डूब मरो संसार। वचन माने जी कोई वंश है, मैं अभी कह तो दे पर घर छोड़ने कोई तैयार कर लो, कई महाराज मां मान देख ले दे दानो काम करो ए यूं कहूं नाला, और जो लाला राम है वो मारा बचना में चालन नालो। सजनो के लाला राम भी समय अहमदाबाद नगरी छोड़ दी, बाबर आयो उठे बड़ा भारी रोला भैया और बहुत मिन खुनारी नदियां भी और लाला राम बड़े तो आप रे कोई दूजो गांव हो दियो और भगवान रो भजन करतो बहुत अच्छा तेरे जीवन सफल मिल गयो। तो देखो सजनो गुरु जो देवे वा कोई और दे सके, सब जग मांगण हारा राजा प्रजा बास सब मिलात बसारा। तो दरियाव जी महाराज लिखे राम जी रो भजन करे आतसो काम करे हृदय में सच्ची प्रीति राखे, वाह वाह बिन धन्यवाद है अपराधी तीर्थ चले वो क्या तीर्थ तारे। अरे काम करो छोड़े नहीं खाली दे ही नहीं पखाले, ये जो सत्संग है ये यही शिकारी है सजनो के वास्तव में स्नान कोई उत्तम है, स्नान कोई श्रेष्ठ है जिको मन निर्मल वे मन साफ। ये सत्संग एक स्नान रूप में है, सत्संग एक ज्ञान गंगा रूप में है, जो सत्संग में गोतो लगावे लो बीरो मन शुद्ध वे लो और मन शुद्ध वेणु भगवान प्रसन्न या करे, वरना चाहे आप कठे भी जाता रहो नफो नहीं मिले ला अपराधी तीर्थ चले, कोई जीव मार तो वो तीर्थ गियो, तीर्थ गियो तीर्थ में पंडित जी क्यों की नेम ले वो क्यों जीव कौन मार वो नेम ले लियो, वो नेम ले लियो। अब नेम यूं लेनो और अहंकारो भरनो हरो नेम ने निभानो दोरो वा गांव में पाछो बड़न रुको तीर्थ करना आयो के एक मोटी गोद दिखी, कहीं दिखी गो गो में समझो हाँ तो गो दिखी गोपाल जो भी अलग अलग गोपाल डो दिखी और वो क्यों रे कड़ी करी है वो क्यों मारा दगाने के मन में जो तीर्थ में ने नेम लियोडो जीवन मारा को नहीं नेम खंडी तेजी आई वो दौड़ियो घरे गयो कर गयो छोर आयो हम एक बैसा आएगा तीर्थ हम के आएगा
तो इतना देह दाम की करोगे, मैं तीर्थम क्यों, मैं तो जीव मारना छोड़ दिया, पर गांव रे बारे आयो बिटे में गोपाल रो देख ले, क्योंकि मैं तो मारू कौन दिर तू मार ला ला राज, जो मैं तन बताई दू मोकट बढ़ियो। तो अब वो तीर्थम कहीं ध्यान लग गया भी नहीं तीर्थ से, अरे मंदरा अपराध मंदरा अवगुण छोड़े ही नहीं, खाली दे ही पकड़। तो सजनों वास्तव में सच तीर्थ वही है, जद सजनों महाभारत प्रसंग है के अज्ञातवास में हा बिटे, यानी के पांचाली में प्यास लगी कि जलरी व्यवस्था करो, जना सबसे छोटा को ना सहदेव जी, युधिष्ठर अर्जुन और भीम ये तो एक मार है, और दूसरी मारा नकुल जी और सहदेव जी। जना बुटे सजनों ध्यान दे सुन जी बात में के जल लवन वास्ते समून छोटा सहदेव जी भेजा जाओ। सहदेव जी घूमता घूमता गया, जने एक नाड़ी दिखी बेन के अठे जल गड़ो बरने रुका बिठे, एक यक्ष बोलियो रुको रुको भाई जल पान करिया ने पहला या गड़ो भरिया ने पहला मारा प्रश्न उत्तर दे, और नी उत्तर देवे तो मेथन मार दे। वाह सहदेव क्यों उधर प्यास मर रही है सर, बहुत जल्दबाजी मारो उत्तर नहीं दी जे, मैं तो खुद सूरवीर क्यों देख ले वे तो युद्ध कर ले वा माडा पानी गरम दुका के वे सजनों को यक्ष अपनी कला रे द्वारा मैंने बेहोश कर दिया बेचित कर दिया। बहुत टाइम बीत गई आया नहीं युधिष्ठिर की ओर, तू जा सहदेव वा सहदेव गयो और अपने भैरी बा लाश्री तरह वो शरीर देखियो जैसे मृत वे गो बेहोश अवस्था में देखियो, वो क्यों रुपेला पानी तो भरा बहुत प्यास मर रही है माँ ऐसे पीछे ऐसे पांच साल खत्म में जाए बदल देना पानी भरने लगा रही एक समय बात पाची के के मारे प्रश्न मारो जवाब दो निया थारे बैरी गति भी ऐसे थारी गति, अरे मारे बैरी दुर्गति ये तू करी गा के कौन दे उत्तर। भीम आयो अर्जुन आयो चारारी मौत एक भी उत्तर नहीं दियो, फिर युधिष्ठिर जी आया बहुत समझदार यक्ष क्यों मारे प्रश्न आरो उत्तर दो पच पानी पी और वरना थारा जो चारों भयानी गति भी है बात थारी हुई। जय युधिष्ठिर जी बोलिया के आप प्रश्न पूछो और यथा संभव कोशिश एक जवाब देव कई प्रश्न पूछे भी टाइम पूछो यक्ष एक प्रश्न जिको विशेष अभी जी प्रसंग रे हिसाब से क्योंकि दुनिया में सच्चो स्नान किसी से सच्चो स्नान किसी गंगा जीरो है जमुना जीरो है घारा चार बजे उठ करे वो है सच्चो स्नान की है। जब बिठे युधिष्ठिर जी की दुनिया में सच्चो स्नान वो है जिको आत्मा निर्मल हुए मन निर्मल हुए वही सच्चो स्नान समझ गए ना। वाह वाह तो सजनो लंबी छोड़ी कर पर वास्तव में यक्षरा यक्ष भी प्रसन्न बहुत संतुष्ट हो कि वही सच्चो स्नान है जिको हृदय पुत्र इर्दो भगवान रा भजन और सत्संग सु और अंदर में सत्संग रा संस्कार अपा भरा जद ये इर्दो पवित्र वेला जद महात्मा लिख के पाहन को क्या पूजी उसमें क्या पावे और 68 तीर्थ सब बयर जे कोई साथ जिमावे। अरे कोई आज देखो दुनिया में कितनी भ्रांति बड़ी उड़ी रस्ते रस्ते जावे कोई छोटो की थान आई गो तो बूटे तीन चार बार तो टिंटाड़ियां दे और नीचो लुली नमस्कार करी और आगे हितर साल रो बुढ़ो आदमी झाला देवे जब विराम नहीं बंदे के कह के कोने मारा हाथ मार मैं तो अटी जावा अब बताओ सब बुढ़े बो औरन दियो और नीचो लुलियो बुढ़ो हल्लो भाई दो भी बुढ़ा ने मोटरसाइकिल मात बैठान लीजिया तो 2 किलोमीटर आगे छोड़ दो जन हल्लो भाई दो सजनो वास्तव में तो जिको चेतन है जिका में परमात्मा की सत्ता बोल रही है स्पष्ट मानव बिरधामी बंदे और फिर चांत्रा देवरा दोग देता फिर बिरु कल्याण कैसे नहीं भूखा ने भोजन जिमानो प्यासा ने जल पिलानो और नंगा ने वस्त्र देनो ये बहुत भारी पुण्य है। सद महात्मा लिखियो कागजरी नौखा बनी माए लोहा भरिया भारी और शब्द भेद समझा मिनार मूर्ख पचपच भारी
लिखे वचन मनोरथ गुरु मिले गट भये उजियारी सदगुरु पार उतार सी सब संत पुकारी के कबीर सा धर्मदास ने कल अंधा डोले और आंधा ने सूझे नहीं हरी गट गट बोले परमात्मा री सत्ता सब गट में है एड़ी कोई जगह नहीं है जटे परमात्मा री सत्ता पर मानव में कैसी भूल है कि मानव जो चेतन परमात्मा है सब में मानव में भी सत्ता ने तो समझ नहीं रही है और कटे भगवान ने ढूंढ रही है और कटे राम जी नहीं सजन गायो है कबीर साहिब अपनी बाणी में